मजा आ जाता है आप लोगों को देखकर, और आप लोग भी मजा करवा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हद कर दी वर्ड मोमेंट। मुझे माफ कर दो, मैं लेट आया यार, मैं लेट आया, मैं टाइम पे आया था, मैं सवेरे सवेरे फुल टाइम पे आ गया। इधर ना लाइट ना कुछ, सब कुछ शटर डाउन, ना बंदा ना बंदे की जात। मैं कहा ये क्या हो गया, मुझे लगा इन्होंने शो ही क्लोज कर दिया, पैक अप। लेकिन मैंने कहा मीटर तो टीआरपी के हमने फाड़ दिए, शो क्यों बंद हुआ। वो भाई मिल गए एक, उन्होंने मुझे कहा मेरी जारी पाकिस्तान है, तुम अभी पिछले दिनों लंदन में थे, इधर जो टाइम है ना वो और तरीके चल रहा है, 7 का मतलब 7 नहीं 10, 10 का मतलब 10 नहीं 12। मैं क्या यार, इसमें मेरी क्या गलती है, फिर मैं कार करा के वापस आया। लेकिन ये जो हम टाइम के साथ को लगा देते हैं ना, को क्या लगाते हैं, 12 को बजे, 2 को बजे, 1 को में कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब होता है एनीथिंग कैन हैपन। ये टाइम का सिलसिला शुरू कहां से हुआ, आइंस्टाइन नामी एक शख्स था जिन्होंने 1905 में एक थीरी निकाली कि टाइम इज रिलेटिव, वक्त एक इल्यूजन है, जिसने उसने कहा कि जो वक्त आपके लिए कुछ है वो शायद किसी और के लिए कुछ और होगा। हम पाकिस्तानियों ने कहा बस इससे आगे नहीं जाना, हमने कहा भाई अब जो किसी के लिए वक्त है वो किसी के लिए, जो हमारे लिए वो हमारे लिए। 28 तारीख को रात के 9 बजे फंक्शन होता है, हम उसको 30 तारीख को 2 बजे शुरू कर रहे होते हैं, पूरी डेट ही चेंज कर देते हैं। बेंजामिन नामी बंदा, उसने कहा टाइम इज मनी, 12:10 साढ़े जड़े शायर ने कहते ने महबूब को देख के वक्त ही रुक गया। वो यार वो गल कर रहे हैं टाइम इज मनी, हम इधर कह रहे हैं महबूब को देख के वक्त रुक गया। मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, आपसे आपके कोई अगर पैसे चोरी कर ले, आपसे आपके कोई पैसे छीन ले, तो आपका तो वाटा आ जाता है। आप कहते हो मैं बंदे ते FIR कटावा, बंदा मैं फड़ा, मैं बंदे ना रह करा, मैं वो करा। आपसे जब आपका कोई टाइम चोरी कर ले, आपसे आपका कोई टाइम छीन ले, जो आपका महबूब, आपका बेबी, आपका राइट लेफ्ट पता नहीं टाइम जब चोरी करते हैं, तब आपको कोई टेंशन नहीं होती। जो बेंजामिन पा साडा कह रहा सी टाइम इज मनी, उसका ये मतलब था कि अपने वक्त की भी वैसे कदर करो जिस तरह अपने टाइम की करते हो। बाकी मेरी जान, दुल्हन को शादी पे हम सबसे लेट लेकर आते हैं, फिर सारी जिंदगी हम उसको लेट उठने के ताने देते हैं। की गल हुई, मैं पूछ रहा की गल हुई, कोई जवाब नहीं किसी के पास। लीड फ्रॉम द फ्रंट मेरी जान, लीड फ्रॉम द फ्रंट, वक्त की कदर करना सीख लो, क्योंकि आज वक्त तुम्हारे साथ है, कल ये वक्त तुम्हारे पास नहीं होगा। वक्त की कदर करोगे तो जिंदगी में तुम आगे चलते जाओगे, वरना वही होगा जो हो रहा है। वक्त की वैल्यू तो इंसान को तभी होती है जब डॉक्टर कहता है तुम्हारे को 6 महीने रह गए, फिर बंदा कहता ओए मेरा तो जाने का वक्त आ गया। मेरी जान जाने का वक्त नहीं आ गया, वक्त को थमाने का वक्त आ गया, वक्त को कंट्रोल करने का वक्त आ गया। ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, ये हमारे नौजवान हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप बताएं आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा वक्त आया जब बड़ा ही एक अहम वक्त हो, लेकिन वो वक्त आपके हाथ से निकल गया, आपने उस वक्त की कदर ना की हो, बताएं। अस्सलाम वालेकुम। हुन भाई, वक्त वो अहम होता है जब आपने किसी से मोहब्बत का इजहार करना हो और वो वक्त गुजर जाए। वक्त वो है जब बार बार नहीं आता। यार अभी मैंने बात की है कि इधर वक्त को वैल्यू करो, इधर प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ ले बेटा यही मौका है, इसमें तुम लगे रहते हो प्यार मोहब्बत में। कोई मुझे इंपॉर्टेंट वक्त के बारे में बताओ, ये वक्त तो तुम्हारी जिंदगी में है, तुम्हें क्या हर रोज मोहब्बत हो जाए, अब तुम हर रोज तुम्हारी जिंदगी में वो टाइम आता है। मोमिन भाई, मुझे ऐसा मौका मिला था और वो मौका मेरे हाथ से गुजर गया था। मोमिन भाई, ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं रो दूंगा। सच्चे आशिक की यही निशानी है कि उसकी ज़िंदगी में ये वक्त एक दफ़ा आता है, और जब जब वो उस वक्त को याद करता है वो इमोशनल हो जाता है। हम मुल्क के छोटे बच्चों से पूछते हैं वो क्या कहते हैं वक्त के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों पे ज़्यादा रिलाई करना पड़ेगा। एना दी मैं तो समझ नहीं आ रही। आए जी प्रोड्यूसर जी, दिखाएं हमें बच्चों ने हमें वक्त के बारे में क्या कहा। आ गए अदर बच्चे नल करने गल दो ताली। आए ये है मेरे सारे दोस्त। टाइम क्या चीज है, टाइम घड़ी। अरे वाह वाह वाह, घड़ी। टाइम पे सुबह उठते हो, ठीक है, अपने टाइम को वैल्यू करते हो, तो जो लोग वक्त की कदर नहीं करते फिर ओना दा नाल की होंदा है, फिर गुनाह है। तो जो लोग नहीं उठते टाइम पे फिर ओना नाल की होंदा है, कोट पहनना। समझ गए, जे तुसी टाइम ते नहीं उठो ना ते तुहानू कोट पहननी चाहिए है। शहजादा ताली दे। एक दिन आवाज के साथ। हां जी आवाज, क्या नाम है आप? लोग टाइम पे नहीं उठते और टाइम की कदर नहीं करते, उनके लिए क्या मैसेज है तेरा? पैंटी लगानी चाहिए, सही पैंटी लगानी चाहिए। माशाल्लाह बड़े लविंग बच्ची है, बहुत काइंड है, कह रहे हैं ना पैंटी लाओ। यार ज्यादा प्यारा नहीं होता अगर उनको प्यार से समझाएं? वो और बदतमीज है, देते हैं। कहते ने प्यार नहीं चलता इधर। मैंने कहा अगर प्यार से समझाओ, कहते हैं और बदतमीज हो जाएंगे। यार हुआ कभी? कब?
आगे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। टाइम इज मनी, टाइम एक पैसे की तरह है। जैसे दुनिया में इंसान के पास पैसे के अलावा इंसान कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही वक्त के पाबंदी नहीं करेगा तो इंसान जिंदगी में आगे जाकर कामयाब नहीं होगा। मुंडे ने वड्डी गल कीती है। उसका छोटा छोटा बच्चा कह रहा है कि जड़ा टाइम की कदर जो बंदा नहीं करता, जो सुबह काम टाइम पे नहीं उठता, उसको फैटी लगानी चाहिए। और अब मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसे मेहमान को जो इनके दिल में है, वो इनकी जुबान में है, जिस शो पे जाती है टीआरपी के मीटर फट जाते हैं, फाड़ जाते हैं सारे टीआरपी के मीटर। और यार साड़ी मेहमान नवाजी देगी कमाल। आपको पता है मेहमान नवाजी पे कोई किसी किस्म का हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हम उनको लेकर किस तरह आए, आपको ये हम दिखाएं, रहने देते हैं। अच्छा चलो दिखा देते हैं, बताओ यार नीचे क्या हुआ है, आ जाए। इफ जी हद कर दी। विद मोमिन साकिब पे आप आ गई हैं, ये कोई आम शो नहीं है, इस पे गुफ्तगू होगी जिंदगी की, हंसी की, मजाक की। लेकिन तुसी मेरे मेहमान हो, मेरा मेहमान मेरे दिल दे बड़ा करीब है। आप क्या खाएंगी? मैं खा के आई हूँ। नहीं, ये बड़ा ही बेहतरीन सैंडविच है ये, इसमें हमने आपके लिए आलू वाले पराठे बनाए हैं। ले आओ यार पॉपकॉर्न। ये आपको एनर्जी ड्रिंक चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, पॉपकॉर्न चाहिए फजी, बिल्कुल तकल्लुफ नहीं करना। इतना तो कुछ, ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब मुझे देख के तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैं इतना खाना खाती हूँ? नहीं, माशाल्लाह आपकी फिटनेस, आपसे तो हमने फिटनेस के बारे में सीखना है, तो ये हम मिल के खाएंगे। ओके फजी प्लीज आ जाए। पकड़ना भी मैंने, मैं खुद इसमें कुछ पाया कि नहीं तू कोई गल नहीं। नाचोस इफ जी, ये आप ट्राई करेंगी? हाँ जी। ओके मुझे आप पर्सनली ऐसा कुछ पसंद क्या खाने में? मुझे आई एम नॉट अ फूडी, नखरा पर्सन, जो मिल जाए जो मिल जाए। हाँ हाँ, इट इज लाइक फ्यूल, जिस तरह एक बॉडी का फ्यूल है, जो मर्जी। नहीं मजे का हो, लेकिन ये नहीं है कि खास चीज खानी है, मतलब जो बनाओ मजेदार। तो कहते हैं हेल्दी चीजें मजे की नहीं होती, इस पे आपका क्या? नहीं मैं हेल्दी खाती हूँ। नहीं खाती, थोड़ा खाती हूँ। चले ड्रिंक तो पकड़े ना, चाय भी पकड़ लें प्लीज। ओके नानचोस भी रखें। ओके ये प्लीज इसको भी। ओके ये आप, मैं आपके साथ साथ ही आ रहा हूँ। बाकी सामान बढ़ो यार, वो खाते पीते अपना घराने से है, मेहमान मर आया है। चले जी मुझे रेटिंग के लिए बुलाया है, ज्यादा ड्रामे ना मेरे साथ करो। नहीं हमने आपको आपकी वजह से बुलाया। क्यों बुलाया? मेरे में ऐसी क्या बात है? एक पॉजिटिव वाइब है, पॉजिटिव एनर्जी है। ओके ये एक मैं वही बता रहा हूँ, वो नहीं है कि जी शोज में गए गपशप लगी टीआरपी, हमने बातें करनी, हमने इंजॉय करना है, हमने आई वॉन्ट दिस, I want you to remember this show कि यार actually एक show पे गई थी, बहुत मजा आया था। okay. ये इस तरह होगा। आ जाइए जी।